नमस्कार दोस्तों, कई लोगों के मन में बार बार प्रश्न आ रहा है, हमारे जीवन में समस्या क्यों आता है। वह हमसे पूछते रहते हैं, मेरे पड़ोसी बहुत खुशहाल है जबकि मैं हमेशा समस्याओं से घिरा रहता हूँ, आखिर कारण क्या है। दिन प्रतिदिन हमारे जीवन में समस्या आते रहते हैं, एक समस्या हल करता हूँ तो दूसरी समस्या आता है, दूसरी हल करता हूँ तो तीसरा तैयार रहता है। आखिर समस्या का कभी अंत होगा या नहीं, या जब तक जिंदा रहेंगे समस्या का सामना करते रहेंगे। दोस्तों आइए चलिए आपको मैं आज वीडियो के द्वारा यही बताने वाला हूँ, और आपके जीवन में ये समस्या आती रहेगी और इस समस्या से निपटने के लिए आपको अपने दिल और दिमाग को मजबूत करना पड़ेगा ताकि आप कुछ आगे कर सको और कुछ अपने जीवन में बन सको। इस वीडियो का उद्देश्य यही है। जो मेरे चैनल पर नए हैं कृपया करके मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए, अगर वीडियो पसंद आए तो शेयर जरूर करिए। चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं, आइए जानते हैं आखिर आपके जीवन में समस्या क्यों आते हैं। दोस्तों समस्या प्राकृतिक पहचान है, जब हम आगे बढ़ते हैं तभी हमारे सामने समस्या आती है, जब हम कुछ करेंगे ही नहीं तब हमारे सामने कुछ समस्या आएगी नहीं। पूरा दिन आप बिस्तर पर लेटे रहे आपके पूरे दिन कोई समस्या नहीं आएगी, समस्या तो तभी आएगी जब आप कोई नया काम शुरू करेंगे, यानी आप प्रतिदिन एक ही तरह का काम करने पर आप जहां पर हो वहीं रहोगे। दोस्तों यदि जिंदगी में आगे बढ़ना है, कुछ नया सीखना है, कुछ नया मुकाम हासिल करना है तो आपको समस्या का सामना करना पड़ेगा। दोस्तों स्वामी विवेकानंद ने कहा है, जिस दिन आपके जीवन में कोई समस्या ना आए उस दिन आप समझ लेना कि आप गलत दिशा में जा रहे हो। समस्या बताती है आपके जीवन के रास्ते कैसे। अभी तक जितने भी महान आविष्कारक हुए हैं उन्होंने भी समस्या का सामना करके ही आविष्कार किया। ग्राहम बेल के बारे में आप जरूर जानते होंगे, उन्होंने 10,000 बार प्रयास किया तब जाकर बिजली का बल्ब बना पाए। दोस्तों वर्तमान में जितने भी बड़े बड़ी कंपनियां जैसे फेसबुक, टेस्ला, रिलायंस, सभी के फाउंडर ने अनेकों समस्या का सामना किया फिर जाकर यह कंपनी दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियों में शामिल हो पाई है। आप न्यूज़पेपर में पढ़ते रहते हो, प्रत्येक दिन मोबाइल सॉफ्टवेयर का नया वर्जन लॉन्च हो रहा है, यह सभी वर्जन पहले से ज्यादा और अच्छा फीचर्स के साथ लॉन्च हो रहा है। आप सोच रहे होंगे ऐसा कैसे हो रहा है, क्योंकि वह प्रयास कर रहे हैं, प्रत्येक दिन समस्या का सामना कर रहे हैं। यदि आपके जीवन में समस्या आए तो आप समझ जाए कि आप सही रास्ते पर चल रहे हैं। जो बच्चे पढ़ते हैं उसी को कभी अच्छा तो कभी खराब नंबर आता है, जो पढ़ेगा ही नहीं परीक्षा ही नहीं देगा उसको खराब या अच्छा नंबर कैसे आएगा। दोस्तों जो विद्यार्थी सिविल सेवा की तैयारी करते हैं वह पास और फेल हो सकते हैं, लेकिन जो विद्यार्थी सिविल सेवा की तैयारी ही नहीं करते वह पास या फेल क्या होंगे। जो आज फेल हो रहे हैं वह कल पास भी होंगे, लेकिन जो फेल नहीं हो रहे हैं वह पास कैसे होंगे। दोस्तों जिंदगी में दौड़ में जो दौड़ेगा वही गिरेगा और जो गिरकर उठेगा वही जीवन का लक्ष्य प्राप्त करेगा, इसलिए गिरना या फेल होना आगे बढ़ने की निशानी है। दोस्तों समस्या का समाधान कैसे करें आज मैं आपको बताता हूं। जैसे कि मैं बता चुका हूं जितने भी समस्या है सभी अपना समाधान लेकर ही आती है, आपको बस वह समाधान खोजना है। ऐसा कोई भी समस्या नहीं बनी है जिसका समाधान इस दुनिया में नहीं बना हो, लेकिन फिर भी ऐसी कई समस्या आती है जिसका समाधान आपको नहीं मिलता है तो उसे कुछ ही दिनों के लिए छोड़ दे, वह समस्या अपने आप हल हो जाएगी। दोस्तों जैसे आप किसी ट्रेन में यात्रा कर रहे हो, ट्रेन किसी रेड सिग्नल पर खड़ा रहता है, आप चाहकर भी ट्रेन के सिग्नल को हरा नहीं कर सकते। अगर कुछ पल इंतजार कर ले या कोई काम कर ले तो आप अपने आप सिग्नल हरा हो जाता है और ट्रेन चलना शुरू हो जाती है। जीवन में कई बार लाल सिग्नल हमारे जीवन रूपी रास्ते में सामने आ जाता है, हम चाहकर भी उसे हटा नहीं पाते। इसका सबसे अच्छा उपाय यही है, अब थोड़ा सा इंतजार कर ले या कोई दूसरे काम में व्यस्त हो जाए, कुछ समय बाद यह अपने आप बाधा हट जाएगी। दोस्तों लेकिन इसका मतलब यह नहीं लगाया जा सकता कि हम आलसी बन जाए, समस्या को अपने आप हल होने पर डालते रहे। 95% समस्या हम स्वयं हल कर सकते हैं, केवल 5% समय पर छोड़ना चाहिए दोस्तों जो हमारे बस में नहीं है। जैसे कोई अदालत का मामला हो, कोई गंभीर बीमारी हो या कोई जमीन जायदाद की झंझट हो, यह समस्या ऐसी है जिसे हम चाहकर भी तुरंत हल नहीं कर सकते दोस्तों। तो दोस्तों अगर मेरी वीडियो थोड़ी भी आपको मोटिवेट की हो और थोड़ी भी मेरी वीडियो से आपको कुछ सीखने मिला हो तो मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि मैं आप लोगों के पास रोज नए नए मोटिवेशन स्पीच लेके आता रहूं और आप लोगों को मोटिवेट करता रहूं। चलिए मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपका दिन शुभ रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।